गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन हमने कल वेपर डेंसिटी देखा था और हमने ये भी देखा था कि आखिर किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में कैसे कंपोजिशन निकाला जाता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बेटा, आपको याद होंगे, तो उन्हीं के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो दैट और हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं आपको हमेशा देखिए बार बार मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बेटा डेली प्रोग्राम डेली रिविजन करना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आप पढ़ते हो उसका आज का होमवर्क आज ही खत्म करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चों के लगता है आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। क्योंकि होता है इस तरीके से ना, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ना, और तीन सब्जेक्ट मिला के ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स होते हैं, और जेई में 100 चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। आप मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ कि 90 to 100 के बीच में चैप्टर्स होते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एट द स्टार्टिंग पॉइंट से ही अपने आप को तैयार रखें ताकि आपको फर्दर आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो फिर से बड़े क्वेश्चंस करते हैं हम। तो हमारा अब क्वेश्चन जो कल परसेंटेज के ऊपर जो रह गया था, एक कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। FeSO4.7H2O में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया ये आपके लिए क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो FeSO4.7H2O, FeSO4 का मोलर मास कितना होता है, Fe का 56 प्लस 32, 32 प्लस 64, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 152 हो जाएगा, 152 प्लस 126, तो देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये आपके लिए कितना हो जाएगा, 126 बाय 152 प्लस 120 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 5, 2, 7 और 2, 278 तो दैट, ठीक है। बाकी आपका रेस्ट होता है, रिक्वेस्ट आप खुद भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और इसी के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपको प्रॉमिस खुद से करना ये है कि जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप, मैं बार बार देखो हर लेक्चर में आपको बोलता, आपको खुद से अटेंड करना है, वीडियो पॉज करके आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन नहीं देखना है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट का मैंने फॉर्मूला आपको पहले वाले लेक्चर में दे दिया है, ठीक है। तो होप्स आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, Na2SO4.10H2O, ठीक है। तो आगे परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। Na2SO4 का अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, ये 142 मेरे हिसाब से होता है शायद इसका, ठीक है, हाँ राइट, 142 प्लस 180 किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना हो गया बेटा, 18 हो गया, 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 180, और 142 इसका होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो होगा 322, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 180 बाय 322 इंटू 100, ये आपको क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एक और हम अच्छे क्वेश्चन, अब हम इसमें थोड़े दो तीन क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के करेंगे जिससे आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि 16.5 ग्राम ऑफ अ मेटल कंपाउंड, 16.5 ग्राम ऑफ ए मेटल कंपाउंड, 16.5 ग्राम ऑफ अ मेटल कंपाउंड, मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कंबाइंस विद
combines with oxygen and form 35.6 gram and form 35.6 gram of its oxide. Calculate percentage of oxygen in metal oxide. Calculate percentage of metal in metal oxide. ठीक है, 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड. तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा मेरे हिसाब से. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, मेटल है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, M2ON बताया, M2ON बना है. ठीक है, ठीक है, कितना था मेरे पास मेटल, मेटल इनिशियली 16.5 ग्राम था. ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, अटेम्प्ट किया होगा. मैंने ये नहीं बोला कि आप बना ही दिए होंगे, मैं ये सोच के चला आपने अटेम्प्ट किया, बनना नहीं बना दैट इज वो आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता. और कोशिश करिएगा तो बहुत जरूर बने, क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में भी आपको करवाया है. तो 16.5 ग्राम मेटल है और आपको मेटल ऑक्साइड का वेट कितना दिया, 35.6 ग्राम. अगर आपको याद होगा, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए और वेट ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए, या हम इसको मोलर मास भी लेते हैं. तो याद करो, आपको क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता मेटल ऑक्साइड का, मोलर मास ले नहीं सकते हो, तो आप वेट ऑफ कंपाउंड ले लो इनटू 100. तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वेट ऑफ कंपाउंड ले रहा हूँ. तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अब मेटल ऑक्साइड का वेट इतना और मेटल का वेट इतना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 35.6 माइनस 16.5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड कितना था आपका, 35.6 इनटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 19.1 35.6 इनटू 100. तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर. तो आई होप सो पहले बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से. ठीक है, क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 0.07% ऑफ नाइट्रोजन 0.07% ऑफ नाइट्रोजन. कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, कैलकुलेट कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ओके. नाउ जैसे अगर मैं बात करूं, अब क्या बोल रहे, देखो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मिनिमम मोलर मास का. ठीक है, क्या है थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा मिनिमम मोलर मास का, समझो बात को. आखिर देखो क्या है, आपको सिर्फ नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया, आपको कंपाउंड तो पता ही नहीं है, आपको कंपाउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं है. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, इसके पीछे समझो लॉजिक. जैसे सपोज करो मैंने SO3 बोला, क्या बोला मैंने, SO3 में अगर मैंने पूछा वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा भैया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए ऊपर ऑक्सीजन में टोटल वेट कितना है 48 और डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मोलर मास कितना है 80 डिवाइडेड बाय 100. तो दिस और दिस ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 60% आप बोल सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको ये तो पता है ना कि इसमें ऑक्सीजन कितने एटम प्रेजेंट है. आप चीजें समझने की कोशिश करो, आपको तो यही नहीं पता कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने हैं, ये N2 है, N3 है, N4 है या सिर्फ N है. तो इस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड या मोलर मास इनटू 100. ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया मिनिमम मोलर मास का, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं, आपको सिर्फ परसेंटेज पता है. देखो परसेंटेज मतलब जैसे आप कभी
टूथपेस्ट वगैरह यूज करते होंगे तो आपने उसमें देखना पीछे जो इंग्रेडिएंट्स रहता है, कैल्शियम फ्लोराइड इतना परसेंट, ये फलाना इतना परसेंट, ये फलाना इतना। देखो हालांकि टूथपेस्ट भी क्या एक कंपाउंड ही है, ठीक है, उसका अपना एक फॉर्मूला, तो उसमें हर एलिमेंट का क्या है परसेंटेज आपको पता है, ठीक है, लेकिन कितना क्या है मान लो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता वो कंपाउंड का, तो आप परसेंटेज से क्या कर सकते हैं, आप परसेंटेज से ये निकाल सकते हैं कि उसमें मिनिमम मोलर मास कितना होगा। अब यहाँ पे खेल सारा चीज किसके ऊपर होगा, मिनिमम मोलर मास के ऊपर होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मिनिमम मोलर मास का। ठीक है, तो बोल देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। आखिर ये मिनिमम मोलर मास कहता क्या है? तो फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, जिसकी मैं सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, कंपाउंड दैट कंपाउंड शुड कंटेन, दैट कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट 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 1 एटम ऑफ एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एटम ऑफ एलिमेंट उस परसेंटेज इज गिवन। तो पहले बच्चों आपको बात समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जब जब आपको मतलब मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का, जब किसी का मिनिमम मोलर मास दिया हुआ है, जिसका मतलब आपको क्या करना है, जिसका परसेंटेज दिया हुआ उसका एटलीस्ट आपको एक एटम तो कंसिडर करना ही है। देखो मिनिमम मतलब क्या होगा, मैंने बोल दिया भाई ये फलाने में मान लो सल्फर इतना परसेंट है, मतलब सल्फर परसेंट है तो आप बताओ मिनिमम मोलर मास क्या होगा। अरे तो मिनिमम निकालने के लिए ये तो कंसिडर करना पड़ेगा कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अरे दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, जब परसेंटेज दिया है किसी चीज में, किसी चीज का परसेंटेज, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज दिया, इसका मतलब यह कम से कम एक तो होगा ही होगा, मानते ना इस बात को। तो वही चीज यहाँ पे हम मान के चल रहे कि हम कम से कम कितना मानते, 1% मान रहे। अब यहाँ पे इसी को ऐसे सॉल्व कर दो तो 0.07% दिया हुआ, वेट ऑफ नाइट्रोजन आपको कितना है, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना मान लो मिनिमम एक है तो 14 मान लो, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मोलर मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो मोलर मास को m मानता हूं इनटू 100, तो m बराबर कितना हो जाएगा 20,000। ओके, तो दिस विल योर आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इंसुलिन कंटेन, क्वेश्चन है इंसुलिन कंटेन, इंसुलिन कंटेन 0.0016% 0.0016% ऑफ सल्फर। ठीक है, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ सल्फर या मिनिमम सॉरी इंसुलिन, इसको हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। तो बात को समझो थोड़ा ध्यान से आप भी कि अगर आपको परसेंटेज सल्फर का दिया हुआ, इसका मतलब आप ये कंसिडर करके चलोगे कि कम से कम एक सल्फर का एटम तो प्रेजेंट होगा, इसका मतलब एक सल्फर का एटम प्रेजेंट होने का मतलब है कि व्हाट इज द वेट ऑफ सल्फर, आप वेट ऑफ सल्फर कंसिडर कर सकते हो 32 ग्राम। अब बात ध्यान से समझना बेटा थोड़ा, अब इंसुलिन क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आप भी जानते हो कि इंसुलिन एक्चुअली जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, वैसे वो आप जो इंजेक्शन लेते हैं ना वो इंसुलिन ही होता है एक्चुअली वो। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर बाय मोलर मास इनटू 100, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर है आपका 16 × 10⁻⁴, वेट ऑफ सल्फर मैं मान लेता हूं लेट्स से 32
divided by m into 10 to power 2. Then what is m? 32 divided by 16 into 10 to power 6. 2 into 10 to power 6. So this is your molar mass of इंसुलिन। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आखिर में क्या कहना चाहता था। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ सर दैट आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीमोग्लोबिन कंटेन। हीमोग्लोबिन आपने शायद सुना होगा ब्लड में एक होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। देखो बायो स्टूडेंट नहीं हो तो उतना तो मुझे आइडिया नहीं है बट आपको थोड़ा बहुत आपको भी जानते होंगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कंटेन हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ Fe। ठीक है, इफ मोलर मास mm को मैं क्या लिख रहा हूँ मोलर मास। ठीक है, mm को मतलब मोलर मास ऑफ ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 then calculate number of Fe atom present in hemoglobin ठीक है, प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ फैटी एटम यहाँ पे छोड़िए छोड़िए पर एक मॉलिक्यूल में कितने एफी एटम होंगे ये आपको बताना है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एफी के एटम कितने हैं ये आपको बताना है। तो बेटा ये बहुत मेरे नजर में एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसलिए इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, आप समझो कैसा है, बोल क्या रहा हीमोग्लोबिन कंटेन मतलब उसने परसेंटेज तो दे दिया है। ठीक है, परसेंटेज दिया है, बात समझो, परसेंटेज ऑफ Fe इज इक्वल टू वेट ऑफ Fe डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। अरे वेट की जगह वेट ऑफ कंपाउंड या मोलर मास ले सकते हो, दैट चॉइस इज योर। अब परसेंटेज उसने कितना दिया हो 1/4 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 25% को मैं 1/4 लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग है आपके पास वेट कितना है, वेट है W, मुझे नहीं पता आखिर उसने वेट तो दिया नहीं है लेकिन हाँ उसने मोलर मास जरूर दिया है। व्हाट इज द मोलर मास 89600 इनटू 100। नाउ 0000 कैंसिल, देन व्हाट इज द वेट ऑफ Fe एटम, वेट ऑफ Fe एटम मतलब वेट ऑफ Fe मतलब ये वेट कौन सा कंसीडर कर रहा है, ये वेट वो वेट है जो हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल के हीमोग्लोबिन में टोटल आयरन का वेट, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में टोटल आयरन का वेट कितना मिलेगा, तो 896/4, तो 4 2 4 4। ठीक है, तो ये वेट ऑफ Fe एटम है, तो नंबर ऑफ Fe एटम कितना होगा, नंबर ऑफ Fe एटम के लिए कुछ मत करो, टोटल वेट को एक एटम का Fe वेट से डिवाइड कर दो, तो दैट्स नथिंग बट 4 Fe के एटम प्रेजेंट हो जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई, देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, यहां से परसेंटेज दिया होता मोलर मास दिया तो मैंने वेट ऑफ Fe कंपाउंड निकाला कि आखिर एक मॉलिक्यूल के हीमोग्लोबिन में टोटल वेट आयरन का कितना है, तो टोटल 224 ग्राम मिला। अब मुझे पता है एक आयरन का वेट, एक आयरन के एटम का वेट होता है 56, तो ऐसे कितने एटम प्रेजेंट है, तो टोटल वेट को 56 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिला, नंबर ऑफ Fe एटम मिला। तो यहां तक चीजें आपको बड़ा समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, उसके लिए पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पढ़ने से पहले आप फॉर्मूले की डेफिनेशन पढ़ो कि आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे नजर में फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब फॉर्मूला क्या, आखिर आपको एक फॉर्मूले से क्या पता चलता, आपको एक फॉर्मूले से ये पता चलता पहले तो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है,
एक मॉलिक्यूल में आपको ये पता चलता है कि आखिर कौन कौन सा एलिमेंट और किस रेशियो में प्रेजेंट है, राइट। कौन कौन सा एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है, यही फॉर्मुला, यही फॉर्मुला की डेफिनेशन होती है, राइट। तो फॉर्मुला के पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फॉर्मुला इज अ ग्रुप ऑफ, फॉर्मूला इज ग्रुप ऑफ, फॉर्मूला इज ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ, फॉर्मूला इज ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ, फॉर्मूला इज ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट which represent one molecule of the substance, of substance, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भैया मेरे एक वो फॉर्मूला क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट द एलिमेंट और प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और बेसिकली इससे मुझे क्या पता चलता है कि मुझे पता चलता है कि एलिमेंट के कंपोजिशन किस रेशियो में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल मेरा है H2O। H2O में मुझे क्या पता चला कि भाई अब वाटर किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और उनका और केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मतलब कि 2:1, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इसमें CaCl3 का मुझे क्या पता चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्मूला से मुझे क्या पता है, कैल्शियम कार्बन किससे बना है, कैल्शियम तो बना है कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, जिनका रेशियो आपस में कितना 1:1:3, ठीक है। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला की, किसकी बात कर रहे हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से बात है, जो सिंपलेस्ट रेशियो में अगर एलिमेंट किसी फॉर्मूले में प्रेजेंट है, किस रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है किसी फॉर्मूले में, तो वो उसका क्या हो जाता है, इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला विच डिनोट्स, फॉर्मूला विच डिनोट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन of the L element present in one molecule present in one molecule of compound is known as empirical फॉर्मूला। जब अगर एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में एकदम सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। आई बात समझ में लगे, हाथ हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफाइन कर देते हैं, इससे हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा, डेफिनेशन वाला पार्ट सारा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला विच डिनोट्स फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला विच डिनोट्स, फॉर्मूला विच डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट
एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया तो आपको थोड़ी बहुत चीजें सब आइडिया लग गई होंगी बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे EF का मतलब मेरे लिए क्या होगा आपसे, EF का मतलब होगा इम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या होगा इम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और MF का मतलब होगा मेरे लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं, फॉर एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, इस एक्चुअली ये तो क्या है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा, अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं तो CH2O, तो ये आपके लिए क्या होगा सिंपलेस्ट रेशियो होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है। तो यही सिंपलेस्ट रेशियो को ही हम क्या कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो यही बात समझ में प्यारे बच्चों, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो NH3 होता है और 1:3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है, तो इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कितना होगा NH3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई कॉमन लेके नहीं कर सकते हो, तो दैट इज व्हाई ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में ही प्रेजेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर जो होता है वो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n क्या होता है यहाँ पे इंटीजर नंबर होता है, क्या है इंटीजर नंबर होता है, जो लेटर ऑन वैलेंसी का भी काम करता है आगे जाके, बट फिलहाल के लिए याद रखिए क्या कह रही है इंटीजर नंबर कहलाता है। और ये समझ में, तो यहाँ तक चीजें आपको सब समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये n निकालने का तरीका क्या है, n को आप निकाल सकते हो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को आप डिवाइड करके, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करो, आप ऊपर क्या लोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और नीचे क्या लोगे EMFM और नीचे EFM, ऊपर क्या लेंगे MFM नीचे क्या लेंगे EFM। तो जब आप इन चीजों को डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है n मिलता है, n से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता था n से मल्टीप्लाई करके आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात सीधे समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ रहे हैं हमारी क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, बेंजीन इज CH, ठीक है। इफ MFM ऑफ, इफ इफ MFM का मतलब होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इफ MFM ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन, ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, बेंजीन इज 26
एंड 78 रेस्पेक्टिवली, 26 एंड 78 रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन. कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन. देखो तो पहले हम एसिटिलीन के लिए चीजें करते हैं. एसिटिलीन के लिए मतलब क्या होगा समझो बात को. एसिटिलीन के भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है सी एच, तो ई एफ एम कितना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा आपके 12 + 1 = 13. ठीक है, और मुझे पता है एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास उसने ऑलरेडी कितना दिया, एसिटिलीन का 26 दिया हुआ डिवाइडेड बाय 13, तो दैट्स नथिंग बट 2. देन व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है एस सी एच, मतलब सी टू एच टू होता, मतलब ये एक्चुअली मॉलिकुलर फॉर्मूला आप ऐसा मत 2CH, ये गलत हो जाएगा, रिप्रेजेंट होता है आप इसे ऑटोमेटिकली हम ये समझते हैं कि 2 इंटू सी एच को हम कैसे लिखेंगे, सी टू एच टू लिखेंगे. आई बात समझ में, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा बेंजीन. क्या है हमारा बेंजीन, बेंजीन की बात करें अगेन एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास कितना है सी एच है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपके पास कितना होगा 13, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास आपके पास कितना होगा 78, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 डिवाइडेड बाय 13, तो दैट्स नथिंग बट 6. तो देन व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो 6 इनटू सी एच, तो दैट नंबर सी सिक्स एच सिक्स. ठीक है, देखो अभी तो फिलहाल के लिए ठीक है कि आपके 11th बोर्ड वगैरह में ये सब पूछे जाते हैं, डोंट वरी जेईई नीट में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला. 11th अगर आता भी है ना बेटा तो नो नीड, आप क्या करें क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया रहेगा आपको, मॉलिकुलर मास पता है, तो डायरेक्ट देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन फॉर दिस. ये अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा इन सब चीजों में निकाल के, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसलिए मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आ रही मेरी determine value of n and ef empirical formula and n for the following ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. ठीक है, उसमें आपको एन की वैल्यू बताने और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना. ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख देता हूं कंपाउंड एन और एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो पहला कंपाउंड है H2O2, दूसरा कंपाउंड है आपका इसको दूसरे चौक से B2H6, तीसरा कंपाउंड है आपका FeSO4, चौथा कंपाउंड है आपका FeSO4 N2O4 N2O4, पांचवा कंपाउंड है आपका C4H10, सिक्स कंपाउंड है आपका CS3C00 H7 कंपाउंड है आपका C12H22 C12H22O11 8 वाला जो है वो है Al2O3 Al2O3 9 वाला है आपका Ca3 TO4 twice और 10th वाला जो है वो है C6 H2O6. ठीक है, तो ये आपको मैंने दिया है, फिलहाल तो वीडियो पॉज करिए फिर अटेंड करिए, अगर आपको हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ. देखो H2O2 में सिंपलेस्ट रेशियो क्या लेगा HO, तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2. B2SS में 2 कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो N2 हो गया अगेन,
जो कॉमन लेंगे वही आपका एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी एच थ्री इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। एफएस फॉर में आप कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में, तो वन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफएस फॉर। एन टू फोर में अगेन टू लोगो तो ये क्या हो जाएगा एनओ टू हो जाएगा। सी फोर एच टेन में अगेन आप क्या लेगा टू लोगो कॉमन तो सी फाइव सी टू एच फाइव हो जाएगा। इसमें क्या देखो अब यहाँ पे क्या था सी टू एच फोर ओ टू तो टू कॉमन लेंगे तो सी एच टू ओ तो ये आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें अगर आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो वन अगेन इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सी वन एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन। एल टू ओ थ्री में कोई कॉमन जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा तो आप सिंपल सा इसको वन कॉमन लीजिए एल टू भी ओ थ्री ही इसका क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। सी ए थ्री पी ओ फोर में भी कोई कॉमन जा सकता नहीं जा सकता तो अगेन इसका भी इनकी वैल्यू वन होगी इसका भी क्या हो जाएगा सी ए थ्री पी ओ फोर। अब जबरदस्ती इंपेरिकल फॉर्मूला मत निकाल लीजिएगा कि सर पॉइंट में नहीं आपको सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर लेना है याद रखिएगा इस बात को ठीक है। तो कॉमन नहीं जा रहा तो जबरदस्ती मत करिए हो क्योंकि मैक्स बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स होते बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सेम सेम माना जाता है। इसमें अगर मैं सिक्स लेता हूं तो क्या हो जाएगा सी एच टू ओ ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर साइंटिस्ट ये फॉर्मूला निकालते कैसे व्हाट मतलब बेसिक इनका तरीका क्या होता है तो समझ समझो बात को। आपको पता हो कि केमिस्ट्री में बहुत सारे लाखों कंपाउंड्स हर साल लाखों कंपाउंड्स निकलते रहते हैं तो क्या सबका फॉर्मूला निकालना पॉसिबल है क्या नहीं होता। लेकिन हमें ये पता होता है कि जो कंपाउंड है उस एलिमेंट उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उनके परसेंटेज क्या है तो उस परसेंटेज के मदद से हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं क्योंकि याद करना पॉसिबल नहीं होता इन चीजों को ठीक है। तो मैं इनका साइंटिफिक तरीका बता दूं कि आखिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है ठीक है। तो लिख रहे डिटरमिनेशन ऑफ determination of empirical formula ठीक है। determination of empirical formula of the compound ठीक है तो लिख देता हूं इसमें मैं empirical formula of any compound determined with the help of determined with the help of given percentage of element in the compound तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं ठीक है। तो अब इसका एक प्रोसीड्यूर होता है ठीक है। तो बहुत सारी किताब में कुछ दिया था पर जो जनरल मेथड होता है मैं वही बताऊंगा और इनको टेबलर फॉर्म में ही निकाला जाता है ठीक है। तो टेबल बनाने का समझने की कोशिश करिए तो पहला कॉलम जो होता है वो एलिमेंट का होता है ठीक है। पहला कॉलम में आप एलिमेंट लिखोगे ठीक है। दूसरे कॉलम में आप क्या लिखोगे परसेंटेज कि आखिर उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है। या तो परसेंटेज देता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या तो परसेंटेज दिया रहता है या तो वेट दिया रहेगा या तो वेट रेशियो भी दे देता है कभी कभी। क्या दे देता है वो वेट रेशियो दे देता है। आई बात समझ में परसेंटेज देगा वेट देगा या तो वेट रेशियो देगा आई बात समझ में। तीसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम का। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ एटम ये क्या होता है नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं जो परसेंटेज होगा बेटा जो भी परसेंटेज या वेट होगा उसको एटॉमिक मास से किससे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इससे मुझे क्या निकलेगा नंबर ऑफ एटम निकलेगा ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं रिलेटिव रेशियो और ये क्या होता है
जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी बाकी सारी वैल्यू को क्या कर देना, हमको डिवाइड कर देना, जो भी एक वो होगा हमको इसके लोएस्ट वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना। इसमें मान लो तीन चार एलिमेंट है, तो तीन चार एलिमेंट में जिसके सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसको हम बाकी सारे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आ रहा हमारा आता है सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। क्या बात करता है? सिंपलेस्ट रेशियो, इसको कुछ नहीं कहता एन इंटू आर आर, आर आर मतलब रिलेटिव रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, एन इंटू आर आर मतलब कोई इंटीजर है, क्योंकि आपको नंबर इंटीजर में ही रखना, आप पॉइंट डेसिमल में नहीं रख सकते फॉर्मूले में। इसी कारण हमको एक ऐसा सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बट अगर पड़ जाता है तो इसे सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कॉलम में क्या आ जाएगा, ई परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ए, कैसे निकालते हैं, परसेंट बाय एटॉमिक मास। चौथा कॉलम हो जाएगा आर आर, तो दैट्स नथिंग बट ए बाय लोवेस्ट। ठीक है, और फिफ्थ कॉलम हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू एन इंटू आर आर। तो यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो चुके होंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपके और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सॉल्व ऊपर करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन, 80% ऑफ कार्बन इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन इज 30, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको देखो आपको करना कैसे, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, जो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही बना हो, तो एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है, एक का 80% दिया हुआ है तो दूसरा का परसेंट ऑटोमेटिकली कितना होगा 20, तो 80 बाय क्या करना है आपको 12 और 20 बाय 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 होगा, और ये कितने टाइम चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो हो सके जितना एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सको तो ज्यादा अच्छा है। 20 बाय 3, अब इन दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी, ऑब्वियस सी बात है 20 बाय 3, तो 20 बाय 3 को दोनों से डिवाइड कर दो। फिर से समझा रहा हूँ, 20 बाय 3 और 20 में सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 20 बाय 3 है, तो 20 बाय 3 को दोनों से डिवाइड करो, तो पहला तो होगा 20 बाय 3 डिवाइडेड बाय 20 बाय 3, तो ये तो आपको 1 दे देगा, और 20 डिवाइडेड बाय 20 बाय 3, तो 20 20 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 3, अगेन आपको क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर में तो देयर इज नो नेट, तो ये 1 और 3 मतलब 1 into 1, तो ये कितना आएगा 1 और ये 3, तो बट व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला तो आपके पास आ गया CH3, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके पास कितना आ जाएगा 15, 15 आ गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 30 बाय 15, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ 30 और एम्पिरिकल फॉर्मूला 30 15 आ रहा है, तो ये 2, देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2H6। आई बात समझ में, तो आई होप से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको और अच्छे से समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा टारगेट ये रहता है कि आपके जब आप क्लास से मतलब जब आप क्लास बंद करो तो आपके सारे डाउट्स क्या हो चुके होने चाहिए, क्लियर हो चुके होने चाहिए, घर पे आप डाउट लेके ना जाओ, ये मेरा मेन टारगेट होता है। इसलिए मैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मेरे लेक्चर थोड़े ज्यादा जाते हैं, इसका रीजन यही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप फिजिकल केमिस्ट्री में आपके एक भी डाउट नहीं होने चाहिए, मेरा टारगेट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक कंपाउंड ऑफ CHNO ए कंपाउंड ऑफ CH and O, ए कंपाउंड ऑफ CH and O कंटेन्स 52.2 कंटेन्स 52.2%
52.2% of carbon and 13.3% of hydrogen determine empirical formula of compound. ठीक है, determine empirical formula of the compound. Same, फिर से आप टेबल बनाइए. पहला टेबल आपको क्या होगा, एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म में लिखना, दूसरा परसेंटेज का, तीसरा एटॉमिक का परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, चौथा होगा आपका क्या, रिलेटिव रेशियो का, और पांचवा होगा एसआर का. ठीक है, तो पहला है मेरा कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन का परसेंटेज है 52.2, इसका परसेंटेज है हाइड्रोजन का कितना है 13.3. तो अगर मैं बोलूं 100 माइनस ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 34.8. कितना आ रहा है, 34.8. ठीक है, 52.5 को 12 से डिवाइड करो, 13.3 को 1 से डिवाइड करो, और 34.8 को आप डिवाइड करोगे 16 से. देखो ये कितने टाइम जाएगा बेटा मेरे साथ. अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक देता हूँ कैलकुलेशन करने की, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे. ठीक है, कि उसको कैलकुलेट एग्जैक्ट करना ही नहीं है आपको, क्या करना है, देखो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम जाएगा, 48 बचा हाथ से लगे 4, हाँ ठीक है, तो 45 हो ये, तो 12 3 36, मतलब 4.34 अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, 4.34, 13.3, एंड दिस इज नथिंग बट. अब देखो समझो बात को, ये वैल्यू है इसके एग्जैक्टली कितने हैं, 3 टाइम्स में जाएगा अप्रोक्सीमेटली. देखो 4 3 12 अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये वैल्यू कितने टाइम्स में जाएगी, इसकी आधी वैल्यू होगी ये जरूर. ये वैल्यू जब 3 टाइम्स आ रही है तो ये वैल्यू कितनी होगी, आधी होगी, तो 2.17 कर सकता हूं मैं इसका. पर आप डिवाइड भी करो तो भी आंसर यही आने वाला आपको. यहां तक चीजें समझ, आपको क्या करना है, टाइम बचाना है, तो यहां तक आपको टेक्निक समझ में आई, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, तो ये इसका आधा टाइम्स होगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो मिलेगी ये इसके एग्जैक्ट आधी होगी. तो अब इसमें सबसे छोटे वैल्यू कौन से, 2.1 सर, 4.34 को डिवाइड करो 2.17 से, तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा. 13.3 को डिवाइड करोगे 2.17 से, अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा, और 2.17 को डिवाइड करोगे 2.17 से, तो अप्रोक्सीमेटली 1, तो 2.61. Then what is the empirical formula? Empirical formula हो जाएगा आपका C2H6O. क्या हो जाएगा? C2H6O. तो यहाँ तक आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गई होंगी सारी बातें. ठीक है? Okay. Now next question फिर से करते हैं. ठीक है? आपको और अच्छे से समझ में आए. ठीक है? एक मिनट. Okay. प्यारे बच्चों next हमारा question है. Compound of chromium. मैं फिर से बोल रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन में ट्राई टू यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड. एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट आप ये है अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लोगे, और इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, एक कंपाउंड ऑफ क्रोमियम पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, क्रोमियम पोटेशियम एंड ऑक्सीजन contains 26.6% of potassium and 38% of oxygen and 38% of oxygen. If molar mass of the compound is, if molar mass of compound is 294, then calculate molecular formula and empirical formula. तो सिंपल सा बात है, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, वही यही इसी में मैं मिटा दे रहा हूं. ठीक है, इसी में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इन्हीं चम में इन्हीं सबको मैं डिलीट कर रहा हूं, आप तो फिर से दिखेगा. ठीक है, ये चीजें फिर से मेरे लिए सेम हो जाएंगी, इसलिए मैं नहीं उतार रहा हूं. ठीक है, कंपाउंड कौन कौन सा आपके पास, कंपाउंड है पोटेशियम, क्रोमियम पोटेशियम एंड ऑक्सीजन.
क्रोमियम कितना दिया हुआ है, क्रोमियम कितना दिया हुआ है 26.6%, अच्छा 26.6% दिया हुआ है ये, 26.6 दिया हुआ है ये, ऑक्सीजन दिया हुआ है 38, तो ये कितना सब करके 100 से सबट्रैक्ट करेंगे, तो 100 सबट्रैक्ट करने के बाद ये आता है अप्रोक्सीमेटली 35.4, ये भी कितना है 35.4, ठीक है। नाउ अगेन 38 को डिवाइड करो 16 से, 26.6 को डिवाइड करोगे 39 से, और 35.4 को 35.45 अप्रोक्सीमेटली, ये सर 35.4 आएगा, माय मिस्टेक, 35.4 आएगा ये, इसको डिवाइड करोगे आप 56 से। तो जब आप ये डिवाइड करोगे इस तरीके से, सॉरी 52 से, माय मिस्टेक, सॉरी क्रोमियम का 52 है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है मेरे हिसाब से, आप देखो अब यहाँ पे फिर से आप समझो 35.2, जा देखो यहाँ पे, देखो थोड़ा आप समझो, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 17 to the approximately 34, और 17 to the 34 होता तो ये approximately 35 के रेंज में, और 17 to 3 से कितना होता 51, तो क्या मैं इसको approximately 2/3 लिख सकता हूँ, 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.68, तो यहाँ तक आपको बात समझ में, ये वैल्यू भी कितने जान जाएगी, ये 3, ये भी 13 to the 26, 13 to the 39, तो ये भी approximately कितना आएगा 0.68। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से जाएगा ये जाएगा 16 × 32, 16 × 32, 16 × 48, 16 × 64, 2.4 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 2.4। तब 0.68 को डिवाइड करो 0.68 से, 0.68 को डिवाइड करो 0.68 से, और 2.4 को डिवाइड करो 0.68 से, तो ये तो बन, ये तो बन, ये अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में जाएगा, देखो अप्रोक्सीमेटली 6 × 18 3.5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो अब 1 × 2, 1 × 2 और 3.5 × 2, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आपको लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 × 2 = 7, तो फॉर्मूला क्या आएगा K2Cr2O7, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ अब आपको पता है आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास की बात करो, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 294, तो n कितना होगा 294/294, तो दैट्स नथिंग बट 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड कंटेन CH and N in the weight ratio of 9:1:3.5, if molecular formula mass is 108, if molecular formula mass is 108, then calculate molecular formula of compound, then calculate molecular formula of compound, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, फिर से हम क्या करेंगे, पांच पांच खींचेंगे एलिमेंट, अब देखो यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ, वेट रेशियो दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ, वेट रेशियो, तो परसेंटेज लिखो, वेट रेशियो लिखो, बात बराबर, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको करा भी दिया, ठीक है। फिर से ए मतलब क्या होगा, वेट रेशियो, वेट बाय एटॉमिक मास, आरआर मतलब क्या होगा, ए बाय लोएस्ट, और फिर क्या होगा, एसआर मतलब एन इंटू आरआर, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ, CHN, कार्बन का कितना आपको दिया हुआ 9, 1, 3.5, तो 9 को डिवाइड करेंगे 12 से, 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, और 3.5 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो 9/12 मेरे कितना हो जाएगा 3/4, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा
3 by 4 divided by 1 by 4, so that's nothing but 3. 1 divided by 1 by 4, that's nothing. 4. So 1 by 4 divided by 1 by 4. कितना हो जाएगा 1. ठीक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं, मुझे ऑलरेडी सिंपल रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा C3H4N, ये इसका क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखो कितना हो जाएगा, 12 की 3640, 3640 और 1454, तो एन की वैल्यू कितनी, एम्पिरिकल फॉर्मूला 108 दिया हुआ, 54 डिवाइड दैट्स नथिंग बट 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा N into C3H4N, और ये कितना है, N कितना वैल्यू है, 2 है मेरा, ये कितना हो जाएगा C6H8N2, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा, क्योंकि देखो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करते रहे, क्योंकि लाखों कंपाउंड डिस्कवर होता है एवरी ईयर, तो ये तरीका होता है, इससे हम क्या करते हैं, हम किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपने यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुके होंगे, तो हम मेरा ये मानना है कि आप तक आप डिग्री भी सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।